नमस्कार मित्रों, तो आज हमारे साथ है शिपू कुमार। हाय शिपू कुमार, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज शिपू कुमार, आप हमें क्या सिखाने जा रहे हैं आज? आज हमारे पास ये कॉपी का साइन मारने का डायमंड आया हुआ है, और इसको हम कॉपी के साइन मारेंगे। वो कैसे होती है कॉपी की साइन, कैसे लगाते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, आपको देखना है। तो चलो, तो सबसे पहले हमारे पास रफ डायमंड आता है ना, वो मेकेबल टाइप का आता है, उसमें हमें फोरपी की साइन लगानी है। तो इसका हम सरिंग करके ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सरिंग का मशीन है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे क्या करना है शिपू? इसको सबसे पहले पैकेट का निकालने का है। हाँ, निकालने के बाद जितना इस पे डायमंड, और डायमंड को वाइटनर करने का, इसको सबसे पहले हमें वाइटनर करना है। तो वाइटनर कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिपू ने डायमंड ले लिया है, इसी पैकेट का डायमंड है। हाँ, टॉयलिन से उसको वाइटनर थोड़ा लेके, ठीक है, और वैसे ऐसे थोड़ा हल्का, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगाने का, हल्का ही लगाने का है। ज़्यादा होगा तो ओवरिंग में फेल होता है इसका। ठीक है, इसमें झाड़ा लग गया तो मैपिंग में ही फेल हो जाएगा ना, क्योंकि मैपिंग ज़्यादा लगेगा तो हीरा थोड़ा मोटा दिखेगा, वो बाहर निकलने बाहर नहीं निकलेगा, उसका वेटेज ज़्यादा आ जाएगा, और ये जो डायमंड है वो बड़ा दिखाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइटनर को लगा दिया है, उसके बाद क्या करना है? इसका पर 224 कापन नंबर का फाइल ढूंढने का, इसमें 224 नंबर की कापन है वो हमें ढूंढनी है। तो हमारे पास यहाँ नंबर आज ही जाता है 224 मार्किंग यहाँ पे है, यहाँ गया। उसके बाद कापन नंबर का ये नंबर डालने का 398, ये हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी सेव है उसमें। हाँ, उसको हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से उठा के सीधा सरीन मशीन पे, जो एप्लीकेशन है ना, सरीन एडवाइजर 5.3 है, उसमें हमें ओपन करना है। ओपन करने का, ओपन करने के बाद सबसे पहले इस हीरे का टॉप ढूंढने का है। ये हीरा कौन सा है वो हमें सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायमंड है जो गैलेक्सी होके आया है, लेकिन ये जो डायमंड आए हैं वो हमें लेसर होके आए हैं। हाँ, लेसर होके आए हैं। तो अभी ये डायमंड में हमें फोरपी के साइन लगाने हैं। ये लेसर होके 5 पीस में आए हैं, 5 पीस आए हैं, उसमें से हमें ये कौन सा पीस है वो हमें ढूंढने का है। ठीक है शिपू, तो यहाँ आप देख सकते हैं शिपू ने डायमंड है वो रख दिया है स्टेज पे। तो शिपू, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, स्टेज पे कैसे डायमंड रखना है वो कुछ? वो स्टेज पे ऐसे डायमंड रखना है क्या, वो स्टेज पे से हिले गिरे नहीं, और जो साइन है वो स्टेज पे ऐसे रखने का, साइन पूरी लग जाए। ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या करना है? उसके बाद टॉप ढूंढते हैं हम। हाँ, तो टॉप अपना ये रहा ग्रीन वाला, वो हमारा टॉप है। हाँ, वो हमें कैसे मालूम पड़ा? वो डायमंड के शेप, डायमंड का हमने शेप देख लिया। तो ये अगर मान लीजिए शेप हमें नहीं मालूम पड़ा, तो दूसरी कोई तरीका है उसे ढूंढ सकते हैं? उसका वेट से इसमें दिखाता है वेट, तो वेट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो अभी इसको वेट नहीं किया है, टॉप से ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉप तो ढूंढ लिया इसका। उसके बाद इसको मैप में जाके उसको रीमैप एक्टिव पार्ट लेजर करना पड़ता है। हाँ, रीमैप एक्टिव पार्ट लेजर करना है। और ये इसका अभी मैपिंग हो रहा है। ठीक है, इसका मैपिंग चालू है। रीमैप मैपिंग ओके हो गया है अभी, ये रीमैप मैपिंग हमने किया वो ओके हो गया। हाँ, उसके बाद साइन क्लिक करने का है। कौन सी साइन? वो साइन यहाँ पे हम, हाँ, सेव एंड एग्जिट देना है। ओके, तो ये सेव हो जाएगा। आ गया, ये हमारा पीस मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद इसके हमें आगे क्या करनी है प्रोसेस? आगे क्या करनी है, राइट क्लिक करना है इस पे, ये ग्रीन वाले हीरे पे। हाँ, और इसमें एक्स्ट्रा पॉलिश करने का है। हाँ, एक्स्ट्रा पॉलिश कर लिए, ये हीरा थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसको मेकेबल भी डालने का है। हाँ, मेकेबल भी डाल लिए हम अपने, 9 डोरा का 9 डोरा हीरा आ रहा है। हाँ, आ रहा है। इसमें जो पेरोटी है SI1, इसमें SI1 पेरोटी डालने की है, जो पेरोटी हमने पहले सेव की है वो ही डाल दी है। जो प्लानर वाला होता है, प्लानर जो गैलेक्सी जींस ने प्लानिंग किया है, वो जो सेट करेगा वो हमें सेट कर देने का। उसके बाद हम इंक्लूजन रख के उसको जीरम देखेंगे, जीरम हमारा बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, वो देखने का, बढ़ेगा तो मशीन में जाएगा तो फट जाता है। जितना जीरम है उतना ही जीरम रहना चाहिए। अभी यहाँ फिलहाल इतना जीरम है इसमें। हाँ, इसमें भी उतना ही है, बराबर है जिसमें जीरम, बड़ा घटा नहीं, सेम जीरम है, सेम जीरम है। हाँ, तो जीरम नहीं बड़ा है नहीं घटा, वो जितना था उतना ही है। ठीक है, उसके बाद
मॉडल में जाते हैं, इंक्लूजन का ना, इंक्लूजन में था, इसमें जाके राउंड ट्रांसपेरेंसी हमें दे देना है, ठीक है, और देखना है डायमंड वही है कि नहीं है, ठीक है ना, मॉडल देखने के, मॉडल देखने का बराबर है। तो यहाँ पे हमें मॉडल तो दिखाई दे रहा है, ठीक है मॉडल, और डायमंड में ही है मॉडल, ठीक है ना, और दूसरा कुछ इसमें? उसके बाद हम लोग सीधा प्लान में जाएंगे, ठीक है, प्लान में जा इसको हीरे का सेव कर लेंगे अपने डाटा बेस में। ये हमारा सेव हो रहा है हीरा, सेव होने के बाद एक्सपोर्ट और लेवल निकालने के इसकी, लेवल यहाँ पे हमें निकल गया, हाँ वो प्रिंट भी देख लो, ठीक है, तो लेवल निकल गया इसके बढ़ेगा। और उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट मार्क में जाएंगे, मार्क जाने के बाद ये फोर्टी की पूरी साइन है, साइन है फोर्टी की, जिसमें टेबल सेंटर और क्रॉस और ऑन टेबल आता है, चार साइन यहाँ पर लगती है, टेबल लगती है, टेबल सेंटर और क्रॉस और ऑन टेबल की साइन यहाँ पर लगती है, ठीक है। उसके बाद ये साइन अपना इसमें दिखा रहा है, सब साइन ओके है, पूरी साइन इसमें लग जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट हम मार्क में जाते हैं और यहाँ से साइन मार्क करते हैं, अभी इसमें मार्क हो जाएगा, हाँ इसमें पूरी साइन अब लग जाएगी। अपना फोर्टी के हीरा का साइन हुआ वो रेडी हो गया, और कुछ नहीं है, प्रिंट अपना निकालने का है, और जो पैकेट है, जो पैकेट नहीं इसका, तो पैकेट में ना अलग से बनाना पड़ता है, ये इस कलर वाले का, इसका नया बनाना पड़ेगा, इसको प्रिंट यहाँ चिपका देते हैं हम लोग, चिपकाने के बाद अपना हीरा डालने वो ये ओके हो गया, ठीक है, ये डायमंड ओके हो गया, ओके हो गया, और फाइनल हमने ये डायमंड है उसका फोर पी आगे कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट फोर पी मिल जाएगा, ओके।